हाय गाइस, क्या होता है प्रिज्म? क्या होता है आपका अल्पतम विचलन कोण? आपतन कोण क्या है? उससे रिलेटिव सवाल नहीं हो पाते हमसे, तो चलिए उन सवालों को क्लियर करते हैं आपके, और देखिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं वीडियो को। तो देखिए, आपका एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 के आपतन कोण। तो देखिए, सॉल्यूशन पे आएंगे, मानों को लिखते रहेंगे, ज्यादा समय भी नहीं वेस्ट करेंगे। तो अपवर्तक तल में 48 अंश के आपतन कोण, तो आपतन कोण की बात करते हैं, तो यहां हमारा आई हो जाएगा, ये 48 अंश का है। पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन कंडीशन में प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म कोण की अगर बात करते हैं, तो यहां ए हमारा हो जाता है 60 अंश का। अल्पतम विचलन कोण की गणना कर रहा है, तो देखिए अल्पतम विचलन कोण जो होता है डेल एम होगा, वो आपको फाइंड करना है। दो मान आपके पास में है, एक आपतन कोण का और एक प्रिज्म कोण का। अल्पतम विचलन कोण पूछा है, तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल एम इज इक्वल टू 2i - a। मान पुटअप कर देते हैं, तो डेल एम बराबर 2 × i का मतलब आपतन कोण 48 अंश का हमें दिया गया है, माइनस प्रिज्म कोण 60 अंश का दिया गया है। सिंपलीफाई कर लेंगे, 2 × 48 में करेंगे, ये हमारा 96 डिग्री हो गया, माइनस 60 डिग्री हो गया। अब 96 में से जब 60 डिग्री हम लेस करते हैं, तो ये हमारा 36 डिग्री हो गया। तो यहाँ हमने बहुत ही सिंपल वे में आपतन अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी।